हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। यहाँ पे आज 2 महीने गुजरने के बाद बारिशें हुई हैं और आज रात को बारिश भी पड़ी थी और बर्फ़ भी थोड़ी थोड़ी हुई थी और सुबह सुबह बर्फ़ पिघल गई है दोबारा। और अभी आपको मैं बर्फ़ का व्यू दिखाना जा रहा हूँ, लेकिन काफ़ी दूर होगा। शायद आपको इस वीडियो में थोड़ा दिख रहा होगा दूर दूर से, और फिर भी आपको कोशिश करूंगा कि थोड़ा पास जाके दिखाऊंगा, लेकिन है भी तो काफ़ी पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है। और एक काम था मुझे दुकान पे जाना किसी को खाना देने के लिए। ठंडी हवा चल रही है और इस मौसम में ना ठंड खाने का बहुत मज़ा आता है, एक अलग ही मज़ा आता है। ये देखो छोटी छोटी बर्फ़ पड़ी हुई है, रात को बर्फ़ पड़ी थी, बिल्कुल छोटी छोटी बर्फ़ है, पिघलने वाली है। क्या पता हो सकता है रात को फिर से बरसना शुरू हो जाए। भीगा भीगा है समा, ठंडा ठंडा है जहां, हवा भी चल रही है। ठंड किसी का पार्क आ गया है करीब, और आप अभी देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या लगे हुए हैं। यहाँ पे कैंटीन भी है, खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और काफ़ी अच्छा पार्क है, बड़ा भी है। तो एक न एक दिन हम लोग करीब से भी दिखा देंगे, अभी वक्त की किल्लत है, वक्त बहुत कम है हमारे पास, इसलिए हम जा नहीं सकते। और दरिया भी काफ़ी मतलब चेंज हो गया है, इस वजह से कि बारिश हुई थी रात को, बहुत तेज़ बारिश हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े दिन के बाद बारिश हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है मौसम। मेरे ख्याल से बकरियां भी यहाँ पे हैं। अभी मैं आया था थोड़ा पानी लेने, पानी लेके ही चलते हैं हम फिलहाल, उधर भर लेते हैं। ढक्कन लगा लेते हैं भाई, बारिश होने वाली है शुरू, छोटी छोटी बारिश होने वाली है, और फिलहाल हम जल्दी निकलते हैं यहाँ से। और आपको बर्फ दिखाना था लेकिन वो काफी दूर पड़ गया है यहाँ से भी। अभी मैं वापस जा रहा हूँ घर की तरफ, अभी मैं खाने का टिफिन लेके आया हूँ दुकान पे। वाइट मुक्कू उड़ा रहा है, भाग रहा है। अरे तेरे को मुर्गा ढूंढ रहा था। मजा आ रहा है हवा बार बार खाने का। अभी बहुत कम दिन रह गए, 5 दिन रह गए मुझे वापस जाना है अलीगढ़, और टिकट ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है। छोटे बच्चों का खेल चल रहा है यहाँ पे, देख सकते हो कितने अच्छे से खेल रहे हैं। सर्दी में अक्सर मुझे बचपन अपना याद आ रहा है इसकी वजह से। अनग्राज का छोटा सा शॉट ले लिया है, सिनेमैटिक शॉट ले लिया है, और आज बादल भी गरज रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी। बनाना के यहाँ पे पेड़ है, भाई ये यहाँ पे मुझे अपना 10 साल पहले का दिन याद आ रहा है, जो हम यहाँ पे बहुत कुछ खेला करते थे। और ये पार्क है, छोटी सी पार्क है यहाँ पे चिनानी बगला में, ठंडी कैसी यहाँ पे टंडवाल कहा जाता है इस एरिया को, चिनानी बगला अक्सर ऑफिशियल लोकेशन है इसका। यहाँ पे अभी तो क्रिकेट खेल रहे लड़के, फिलहाल मुझे काफी कुछ याद आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें साफ साफ हुआ करती थी, और अब बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई है, अब कोई देखने वाला नहीं रहा। पहले देखते थे लोग और सफाई रखते थे यहाँ पे। और ये मुर्गियाँ हमारी यहाँ पे आई हुई है हमारे साथ, अब वापस जाएंगी। चलो हमारे साथ चलते हैं वापस। ये हमारी स्पेशल मुर्गी है, गाड़ी में बैठ के अंडे देती है ये। हमारे साथ चल रही है वापस घर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ घर चलते हैं, आ जाओ। बारिश शुरू होने वाली है, आ जाओ। ये मुर्गियों का घर है। हेलो गुड इवनिंग, अभी के बज चुके हैं 5 और फिलहाल इतनी अच्छी धूप लग चुकी है। पहली वीडियो में बादल ही बादल थे, इतनी क्लैरिटी आ रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे धूप है। और हमारे गांव में फिलहाल अभी बारिश और बर्फ़ चल रही है लाइव में, मैंने वीडियो कॉल पे देखा था, शायद मेरा एक दोस्त था उसने मुझे दिखा दिया था। बात करेंगे, अस्सलाम वालेकुम, वही और इन प्लेस ऑफ कटेमार, इंशाल्लाह हम वापस चलें वापस घर। तो आई होप आप अच्छे से होंगे घर पे। लाइट का इशू है, क्योंकि जब स्नो हो जाती है तो आपको पता है कि लाइट का डिफ़िकल्टी होती है। हमारे बीच हैं यासिर भाई, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे इस वेदर और इस सनसेट के बारे में। बस आप एकदम खूबसूरत लग रहा है, और क्या
अच्छा, तो आपको आज जर्नी कैसी रही? बहुत अच्छा, हमें माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा इधर घूम के। अच्छा चलो, अल्लाह ताला फिर से हमें ये नसीब करे और अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे सबको। थैंक यू। और आप भी आएँ, घूमें, देखें आपके कैसा यहाँ पे माहौल है, कैसा यहाँ पे क्लैरिटी है। इतनी साफ मैंने HD में क्वालिटी में कभी नहीं देखी। तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर फैमिलीज एंड कीप इंजॉइंग, कीप प्रे फॉर फलस्तीन आल्सो, एंड थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। हाल में होता काश बर्फ़ दिखाता आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे बर्फ़ तो नहीं पड़ती। लेकिन एक गलती मैंने कर दी है इस बार, मुझे बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे मैकबुक नहीं लेना चाहिए था, मुझे आईफोन लेना चाहिए था। मतलब मैंने मैकबुक ले लिया, ये बहुत गलती करी। मुझे अच्छे से कोई ना कोई अच्छा फ़ोन मिल जाता, मेरी वीडियो भी बनती, रोज़ की रोज़ डेली व्लॉगिंग भी करता, उतना फ़ायदा होता। लेकिन फ़िलहाल के लिए देख लो, शाम होने वाली है, आसमान काफ़ी साफ नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बादलें भी हैं, लग रही है बहुत ज़्यादा। और बाकी मौसम बिल्कुल एकदम बढ़िया है। चलते हैं छत पे, अभी हम लोग छत पे चलते हैं, छत पे जाके व्यू दिखाते हैं यहाँ का। लकड़ियाँ कुलक की हुई हैं यहाँ पे और आग जलाने का टाइम आ रहा है। अब प्यारा मौसम एकदम साफ आ रहा है, देखो सनसेट, सनसेट का व्यूज क्यों नहीं आ रहा इतना साफ। तभी तो पछतावा है बेटा, किसने कहा मैकबुक ले लो, किसने कहा वीडियोग्राफी कर लो। भाई लत लग चुकी है मेरी, मुझे हर वक्त मन करता है भाई मेरे हाथ में बस कैमरा हो, सारी दुनिया दिखा दूँ आप लोगों को। कोई नहीं, खैर दिन आएगा सारी दुनिया दिखाने का, और मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा तो बस चले कहीं भी चला दें। लेकिन कहीं भी जाने के लिए मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ है ज़िंदगी में, कि अब लास्ट वार्निंग मेरी यही है कि बस कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छा सा कैमरे वाला फ़ोन ढूंढना है, चाहे आईफोन हो चाहे कोई और फ़ोन हो, बट जिसका कैमरा अच्छा हो, स्टेबिलाइजिंग करता हो, और जिसकी माइक की आवाज़ मेरी आवाज़ अच्छी जा रही। इसमें आवाज़ इतनी अच्छी नहीं जा रही है आप लोगों को, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माइक की मेरी अभी, जस्ट नो आई हैव प्रॉब्लम ओनली वन माइक। कोई नहीं गाइस, सब्र करने से तो फल मीठा होता ही है, इससे अच्छा है सब्र कर लेते हैं। हाल में इस वक्त बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी, काश मैं दरहाल में होता। हर ख्वाहिश के लिए कितनी चिंता होती है यार मुझे, बेकार, एवरीथिंग इज बेकार, एवरीथिंग इज नॉनसेंस, बिकॉज आई जस्ट थिंकिंग नाउ, मुझे सिर्फ अच्छी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, मुझे ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि मैं कैसे अपने अंदर स्किल जो है वो इम्प्रूव कर पाऊँ। बट आई डोंट नो, यहाँ पे नीचे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ये ग्राउंड है पूरा, यहाँ गाड़ियों का स्टैंड रहता है, या फिर गाड़ियाँ आती हैं यहाँ से वो जो बैक करके ले जाते हैं। ओके, छत पे आ चुका हूँ, यहाँ पे काफ़ी कबाड़ का माहौल पड़ा हुआ है, इधर उधर बिखरा हुआ है, हम भी बिखरे हुए हैं इसी तरह। चलो कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं ज़िंदगी में, अभी तो फ़िलहाल कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा ही चल रहा है। काफ़ी इंजॉय कर लिए, मज़ा आ रहा था ऐसे ही आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ और हम करते हैं ख़त्म इस ब्लॉग को, यहीं पे होती रहेगी आप लोगों से बात होती रहेगी, ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। और आज तो है आखिरी बात यही है कि यहीं पे हम कर रहे हैं अपना टाइम ओवर, पूरा दिन बारिश होती रही, और बारिश होने के बाद देखो आसमान कितना एकदम साफ हो चुका, एकदम क्लाउड के नज़ारे नज़ारे यहाँ पे।
बार बार।